Hello guys, welcome to another episode of Four Vlogs. A very good morning. तो सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 4:30. दिखा देता हूँ आपको. वहाँ दिखा देता हूँ एक सेकंड. तो सुबह के हो रहे हैं देखिए 4:30 और सवारी तैयार है निकलने के लिए. तो गाइज फाइनली नैनीताल ट्रिप इज ऑन और अब हमारी ये ट्रिप स्टार्ट हो रही है. तो निकल चुके हैं हम लोग और सबसे पहले आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ जो कि इतना ज्यादा औसम है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है. थोड़ा सा खोल रहा. सो गाइज ये देखिए. आई होप आप सबको दिख रहा होगा कि ये मौसम इतना औसम है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है. तो बस पहुंचते हैं नीचे, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं और मिलते हैं आपसे गाड़ी पे. तो हम नीचे आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास और सारी पैकिंग हो चुकी है. वो देखो दादा वहाँ सारा पूरा प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं गाड़ी में कि क्या क्या चीज़ें ठीक हैं नहीं. सारा सामान ये देखो जी, डिक्की ऑल सेट. और जब दादा से बात करते हैं. दादा ऑल स्टेटस ऑल गुड. हाय गाइस. हाय गाइस. तो बस अब सब कुछ हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है और टाइम हो रहा है सुबह के 4:30. तो आप देख सकते हैं. तो बस अब निकलने वाले हैं, 2-1 मिनट की बात और है. तो बस थोड़ा सामान वामान पैक कर रहे हैं और आप जानते हो बीवियों को तो प्यार मोहब्बत ऑन द टेबल ढेर सारा आना ही है. तो वो देखिए इतने सारे चिप्स, इतने सारे पैकेट, ये देखिए पूरा बोला भर गया है. ये देखिए नमकीन ये सब बस भरे ही जा रहे हैं. पता नहीं क्या होने वाला है. वो देखो अभी 2-3 पैकेट खाली हुए हैं, अभी भी और 2-3 बचे हैं. ये देखो तो कहीं कप नूडल हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है. गाइस इतने सारे स्नैक्स हैं हमारे पास खाने के लिए रास्ते में. ये देखो पूरा भर गया है पैकेट और बिस्किट अलग से हैं. तो भाई ये तो बहुत सारा सामान है. तो आगे चलते रहते हैं, दिखाता रहूंगा आपको. अभी आगे यहाँ से निकलते हैं तब दिखाता हूँ असली नज़ारे. तो गाइस जैसे कि हमने बताया था बाहर का पारा बिल्कुल गिर रखा है और सामने अगर आप देखो मोबाइल का कैमरा. गाइस मैं माफी चाहता हूँ थोड़ा सा. आप अगर वैसे तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा है, अगर आपको दिख रहा हो सामने 5 फुट से आगे का कुछ नहीं दिख रहा है दादा. 5 फुट भी नहीं दिख रहा. अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अभी हम सोसाइटी के अंदर हैं और सामने बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, बट आपको कुछ नहीं दिखेगा. ये देखो सामने बिल्कुल कुछ नहीं है. बिल्डिंग आप दिखेगी, ये देखिए अभी भी नहीं दिख रही. बिल्डिंग आप देखिए, दिखेगी आपको अभी भी नहीं दिख रही. ये देखिए आप दिखेगी. गाइस बिल्डिंग है और ये देखो अब रोड की हालत देखो. सुबह के 4:30 बज रहे हैं, हम निकल ही चुके हैं और ट्रिप का असली मजा तो दोस्तों तभी इसी टाइम ही आता है दादा निकलने में एकदम. तो गाइस आज चलते हैं. आज अपनी बहुत दिनों से इस दिन की प्लानिंग थी, तलाश थी, उम्मीद थी कि ये देखिए बंदा चल रहा है, बंदा तक नहीं दिख रहा है. तो अब बने रहिए हमारे साथ, अब आगे आगे दिखाते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और आज फुल ऑन धमाल कराऊंगा आप सब. यहाँ से नैनीताल तक की फुल जर्नी जिसमें आपको दिख कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ बिल्कुल डेड है. सच में कुछ भी नहीं दिख रहा है. और अभी इस वक्त हम गुड़गांव में, अभी तो घर से 1 किलोमीटर भी नहीं आ पाए, 1 किलोमीटर भी नहीं निकले हैं. और गाइस क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा. हम जैसे कि आप भी देख रहे होंगे कुछ नहीं दिख रहा आगे का, इतना ज्यादा फॉग है. दादा कोई टिप देना चाहोगे जो निकल रहे हो, क्या मतलब सावधानी क्या बरतें? सबसे बड़ी टिप जो मैं किसी को भी देता हूँ या देना चाहूंगा वो ये है कि बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. फॉग के टाइम पे अननेसेसरी ट्रैफिक रूल्स ब्रेक मत कीजिए क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का ब्रेकेज आपको नुकसान कर सकता है. फॉग में ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए, अपनी लिमिट में चलिए, स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कीजिए. और एक और चीज़ बहुत बढ़िया बोलता हूँ कि फॉग में ड्राइविंग का जो मज़ा है ना
तो एक्चुअल अगर आप ड्राइवर हो तो आपको मजा फॉग में ही आएगा ड्राइव करने का। अगर आप तो फिर कुछ भी ड्राइव कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब यहाँ से चलते हैं यार, थोड़ा से भांडवाल की भी जरूरत है, बिना लक्ष्मी जी के तो कोई चीज चलती नहीं है दुनिया में। तो चलो जरा आओ, थोड़े से पैसे वैसे निकाल लें, वरना रास्ते में ये भाई साहब लोग टोल वोल देने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, है ना। बिल्कुल सही। तो गाइस ऐसे ही छोटे छोटे टिप और जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हम भी हम आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे कि अगर आप ऐसे ट्रैवल पे निकल रहे हो फर्स्ट टाइम तो किन चीजों की सावधानी बरतें। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी करीब करीब जीरो है, नेक्स्ट टू जीरो है। मैं से विजिबिलिटी को नेक्स्ट टू जीरो कहता हूँ, ये जीरो विजिबिलिटी ही मैं काउंट करता हूँ मैं से, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छी विजिबिलिटी नहीं है तब तक आप ये मान के चलिए कि मजा नहीं आता ड्राइव करने का, और विजिबिलिटी यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस आप सिर्फ अपनी गाड़ी के भरोसे दादा ये हटा दो। और ये लो जी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप, अभी गाड़ी को फिल करेंगे। तो दादा टंकी फुल करा रहे हैं? हाँ यार, अब इस बेचारी को तो पेट भर के खाना खिला दो, टॉर्चर तुम इसको ही करोगे और फिर इसी को ही खाना नहीं खिलाओगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो आप लोगों ने देखा बाहर कितनी बढ़िया फॉग हो रही है, बहुत दिनों बाद आई एंजॉयड दिस काइंड ऑफ ड्राइव। और दादा सच में काफी टाइम बाद निकल रहे हैं। हाँ। काफी टाइम बाद निकल रहे हैं यार। देखो हम तो काम पे लगे रहते हैं, आपको शायद पता होगा बाय प्रोफेशनल हम दोनों ही एजुकेशन इंडस्ट्री में, सैटरडे संडे का टाइम मिलता है यूट्यूब को डेडिकेट दे देते हैं, बट डेडिकेशन होती है। और अब फिलहाल अब नैनीताल के लिए निकले फाइनली। तो जी पेट्रोल को करेंगे फिल, गाड़ी को करेंगे फिल और सीधे निकलेंगे हम हाईवे टू हाईवे नैनीताल के लिए। पेट्रोल फिल करा लिया है और हम निकल चुके हैं, कुछ बताना चाहता है आप सभी को। तो गाइस फ्यूल स्टेशन पे टैंक फुल करा दिया है हमने अपनी गाड़ी का। वैसे यार एक चीज़ है, मैं मतलब बात करना ही भूल गया शायद, मतलब कह सकते हैं एक मिनट को यार थोड़ा सा सेट कर लूँ अपने आप को। हाँ तो यार हमने अपनी गाड़ी कब तक नाम ही नहीं रखा है, मतलब व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल दिस कार। आपने क्लासिक को रॉकी बोला, मिटियोर को बघीरा बोला, बट आपने होंडा का कोई नाम ही नहीं बताया। तो एक काम करो यार, आज कमेंट सेक्शन में ना भर दो कि ये नाम होना चाहिए, और जो नाम आप लोग सिलेक्ट करोगे इस बार आपकी पसंद का नाम। वैसे तो आप ही की पसंद का होता है हमेशा, तो एक बार ये कमेंट करो। और ये देखो अभी अभी मैंने टैंक फुल कराया है और होंडा ने माइलेज की बरसात शुरू कर दी है, तो 24 का माइलेज देना शुरू कर दिया है भाई गाड़ी ने हमारी। बहुत बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ये ऐसे ही माइलेज देती रहेगी। और आपको आज एक्चुअली इस गाड़ी का भी माइलेज टेस्ट हो ही जाए, अच्छा वाला लॉन्ग लॉन्ग माइलेज टेस्ट, कि मतलब लॉन्ग रन में जब आप इसको भगाते हो या चलाते हो तो ये कितना माइलेज देती है। तो आज ये भी करते हैं, तो और थोड़ा सा और रोड को एंजॉय करते हैं और फिर आगे की बातें करते ही रहेंगे हम। तो आज तो आप और मैं साथ साथ हैं। तो अभी अभी एक बात बतानी है आप सभी को, मैं अभी दादा ने सजेशन किया मुझे कि ऊपर थोड़ा सनरूफ खोल और थोड़ा ऊपर जा, तू तुझे नींद बहुत आ रही है। तो अभी कसम से मुझे नींद आ रही थी, मैं सो रहा था, अभी सनरूफ में गया मैं ऊपर, ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा पूरी मेरी नींद खुल गई। मगर हाँ एक चीज है कि अभी आप रोड देखो पहले, अभी तो फिलहाल थोड़ा मतलब कोहरा कम हो गया, फॉग कम हो गया, बट सच में मजा आ गया, मजा आ गया और मजा आ गया, नींद भी खुल गई। और सच में देखो कितना मंजिल से ज्यादा प्यारा सफर होता है। एग्जैक्टली तो वही चीज है दादा कुछ। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए मेरठ एक्सप्रेसवे पे। अभी मेरठ एक्सप्रेसवे हम लोग को ले जाना है करीबन 19-20 किलोमीटर तक, और उसके बाद फिर कोई डाइवर्जन आने वाला है। तो देखिए सामने बोर्ड भी आ रहे हैं, मेरठ के लिए सीधे गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा के लिए लेफ्ट ले लीजिए। तो अभी तो कहीं नहीं मुड़ रहे हैं, अभी तो सीधे सीधे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। दादा कह रहे एक घंटे में खड़ी कर देंगे आगे। नहीं, आप जानते हो मुझे। हाँ ये कभी मत करना ऐसा। I am always against speed
ऐसा नहीं है कि मुझे स्पीड पसंद नहीं है या मैं स्पीड में चला नहीं सकता, लेकिन सी गाइस चलाना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाईवे पे स्पीड है, क्यों इतने नोटिस लगे हैं यहाँ, बाइक अलाउड नहीं है। अच्छा दादा एक और चीज देखो, बाइक पहले अलाउ थी बंद हो गई, उसका रीजन बता दादा एक बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सी देखिए ये जो एक्सप्रेसवे है ये बाइक्स के लिए इसलिए अलाउ नहीं करा है क्योंकि इस पे गाड़ियों की जो स्पीड लिमिट दी है वो 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर दी है। तो 100 किलोमीटर पर आवर में जो गाड़ी की मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो 30 से 40 मीटर होती है। अब हमारे बाइकर बंधु जो होते हैं वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी निकलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और आपको फिर भी दिखा देता हूँ, 100 की स्पीड लिमिट अलाउड है और देखो मैं आराम से खरामा 70 की स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहुँच जाऊँगा। जाना ही तो है, मज़े ही तो लेने हैं, तो मज़े तो यहाँ से शुरू हो चुके हैं, तो मज़े लीजिए, सफर का मजा लीजिए और सफर को एंजॉय कीजिए। ये देखो अभी 17 किलोमीटर तक कोई टर्न नहीं है, 17 किलोमीटर के बाद है, तो अभी सीधी सीधी रोड है, बिल्कुल भी एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। हाँ साइड लेन में है बिकॉज वो दूसरी रूट है, बट काफी मजेदार होने वाला है सफर। तो गाइस मौसम तो हो रहा है जबरदस्त, और ये देखो ड्राइवर मैंने स्विच कर दिया, मैंने कहा यार मैं ही क्यों चलाऊं हर समय, विवेक बाबू भी चलाएं थोड़ा सा, थोड़ा आनंद लें, तो आओ विवेक से पूछते हैं। और देखिए स्पीड हम वही कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। विवेक मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा फॉग देखो कितना खतरनाक हो रखा है, तभी तुमने ड्राइवर सीट फिर से बदल ली, मुझे गधा मजूरी पे लगा दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी गाड़ी जो है हैंडी नहीं हुई है काफी, मैं धीरे धीरे दिन के टाइम ट्राई करूंगा, जैसे अडेप्ट कर लूंगा फिर चलाएंगे, बट अभी जो है रिस्क नहीं लेना है, दादा ही चलाए तो बढ़िया है। देखो भैया इतने फॉग में कैसे पहुंचेगी गाड़ी, आज तो कोहराम मच गया लग रहा है, ट्रिप के पहले दिन ही ये हाल है। तो लो जी गुड मॉर्निंग हो गई है और अभी सुबह के बज गए हैं 7:09। हाँ सुबह के बज गए हैं 7 और रोड है तो रोड देख लो, देखो फॉग अभी भी है बट अब पहले से बेटर है। तो मनाली की नैनीताल की और धीरे धीरे बस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आपको तो पता है अपन तो स्लो घोड़े हैं, रेस में तो होते ही नहीं। अभी एक ऑडी वाले भाई साहब हमारे बगल से गए थे, उनकी स्पीड 150+ थी, तो मैंने कहा भगवान आपको मंजिल पर सुरक्षित पहुँचाए, क्योंकि अपना तो भाई सिंपल सा फंडा है, आराम से जाना है और आराम से ही बताना है। तो देखो आराम आराम हौली हौली हल्लू हल्लू अप्पा चले जा रहे हैं और देखो पहुंच जाएंगे बस थोड़ी सी देर में। अब जो है अराउंड 219 किलोमीटर अभी और लेफ्ट है, 5 घंटे, तो 5 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। अभी देखो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, फॉग ही इतनी ज़्यादा है यार, देखो फॉग इतनी ज़्यादा है, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। और बेसिकली एक ट्रक दूसरे ट्रक में गया पीछे और आपने देखा कि बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है। तो गाइस फॉग में देखने में लगता है कि फॉग इज़ अ वेरी इजी टू टेक टास्क, और हमने एक एक्सीडेंट नहीं देखा, हमने 2 एक्सीडेंट देखे थे, लेकिन बाय द वे अब वो हम प्रोफेशनल 24 घंटे वाले ब्लॉगर नहीं है कि कैमरा हाथ में ही रहता हो, तो जब तक हम कैमरा उठाते तब तक हम उसको पास कर चुके थे, तो हम आगे बढ़ गए थे। तो ये वाला हमने देखा तो मैंने कहा कि आप लोग को ज़रूर दिखा। तो चलते हैं थोड़ा कहीं रुकते हैं, मुझे तो क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी, हम रात को भी काम ही कर रहे थे और 1:30 बजे सोए, दादा तो सोए भी नहीं, तो अब देखते हैं इतना तो चलता है, अब कहीं रुकते हैं कुछ करते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा होश में आते हैं, सवेरे सवेरे गरम पकौड़े खाते हैं। एक बार सामने भी देखो यार फॉग, यार अभी टाइम वजह से फॉग फॉग तो है अभी भी,
टाइम अभी 8:30 होने वाले हैं, 8:30 होने वाले हैं, फिर भी देखो रास्ते का हाल क्या है अभी। और अभी हमें लगे, अभी हम 150 किलोमीटर दूर है अपने डेस्टिनेशन से, 4 घंटे 10 मिनट अभी लगेंगे। और जो गाइस फाइनली अब हम एक ढाबे पर रुके हैं और वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट करी हमने, ऑलरेडी पराठे मंगाए हैं गोभी के और प्याज के, गोभी और प्याज के पराठे, वो भी सुबह सुबह गरम गरम कुल्हड़ वाले मजा आ गया के साथ। ढाबा बढ़िया है, मतलब ऑन रोड साइड ही है बिल्कुल। हाँ तो आप देख सकते हो काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया लोकेशन है। और फॉग की वजह से हमें ढाबा दिखा, ये दिखा नहीं था ना, दिखा हम आगे निकल गए थे, फिर हम रिवर्स पे लेके आए, फिर हम वापस लेके आए। तो बड़ा अच्छा रहा, खाना अच्छा है। और आइए आप लोग भी हमारे साथ खाइए थोड़े से पराठे और चाय भी पीजिए। और बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी यहाँ से नैनीताल रह रहा है 150 किलोमीटर बोलते हैं, मे भी हो सकता है कमी हो, तो देखते हैं क्या है, फिर आगे की बातें करते चलते हैं। चलो पहले नाश्ता करते हैं, फिर रास्ते में बताते हैं कि सो गाइज फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, ढाबे पे खाना खाया, ढाबा बहुत ही मजेदार था। पॉइंट मैं नाम भी एक बार कोशिश करता हूँ, एक बार आप लोग को नाम भी दिखा दूँ, काफी अच्छा खाना था। ये देखिए, दिस इज अतिथि ढाबा एंड गिन्नौर दे माफी बाईपास रोड पे है, दिस इज अ वेरी बहुत अच्छे के बारे में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है मुझे, काफी अच्छा और रीजनेबल प्राइस पे खाना था। द बेस्ट थिंग वॉज कि प्राइस भी बहुत रीजनेबल था, ऐसा नहीं था कि बहुत एक्सपेंसिव खाना था, कि था तो बहुत सिंपल सा था। एंड चाय तो अमेजिंग थी भाई, बहुत अच्छी चाय थी, चाय तो अमेजिंग थी, मतलब चाय का कोई मुकाबला वाली बात नहीं कह सकता हूँ मैं, कि कोई मुकाबला नहीं चाय का, वो एकदम ज़बरदस्त चाय एंड इन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो अगर आप आ रहे हैं नैनीताल की साइड तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, अतिथि ढाबा माफी बाईपास मुरादाबाद। आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है हमारी किस्मत में। देखो फाइनली हम पहुंच चुके हैं काशीपुर और रास्ता बहुत ही प्यारा है, रास्ता तो एक नंबर है यार, कुछ भी कहो एकदम जबरदस्त है। और दोनों तरफ खेती खेत मस्त वाले, और हवा बहुत अच्छी है, वेरी प्योर एयर। हमने बहुत देर से सनरूफ खोली हुई थी, अभी आपसे बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने सनरूफ बंद करी है, वरना हम लोग सनरूफ खोल के ही चल रहे हैं तब से। बट दो ऐसी चीजें, एक दिख रही है और एक नहीं दिख रही है, कुछ एक और एक्सीडेंट यार, ये भाई एक्सीडेंटों ने ना परेशान कर दिया है, खराब हुआ बड़ा बुरा। दादा दो चीजें, एक दिख रही है और एक नहीं दिख रही है, दोनों ही नहीं दिख रही, ना पहाड़ दिख रहे हैं ना सड़क दिख रही है, फॉग इतना हो रहा है देखो, और दिख रहे हैं सिर्फ एक्सीडेंट, दे एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट, दे एक्सीडेंट पे। चलो वैसे किसी को नुकसान ना पहुंची हो, हम तो यही चाहते हैं, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षित हो, लेकिन भाई ये मामला ठीक नहीं है, ये अगर ऐसी एक्सीडेंट होते रहे ना तो काम खराब हो जाएगा यार। सो गाइस फाइनली ये देखो जरा, चटोरा आदमी कहीं ना कहीं से जलेबी लूट के ले गाइस, जलेबी खा लो ये देखो भरे बाजार में गाड़ी खड़ी करवा के, एक मिनट रुको यार कैमरा घुमाता हूँ, ये देखो भरे बाजार में गाड़ी खड़ी करवा के ये आदमी खा रहा है जलेबी, और मजे में, ऐसा भी नहीं कि हल्के में, फुल ऑन मौज लेके कह रहा है भाई जलेबी खा लूँ मैं, ये देखो ले आया पता नहीं कहाँ से जलेबी, अब जपा जप लगा पड़ा है। चलो गाइस ये भी एक मज़ेदार सीन है, हम पहुंच चुके हैं कोई इलाका है बाजपुर नाम का, ये हम उस कस्बे के अंदर से गुजर रहे हैं, तो आगे दिखाता हूँ और क्या क्या आने वाला है, जंगल है यार बाय गॉड, मज़ा आ जाए। और ये देखो जरा एक ये रास्ता सा बना रखा है ऊपर से पुल जाने के लिए, यार ज़बरदस्त है यार ज़बरदस्त, अब आ गया असली इम्तिहान होंडा का, क्या ये होंडा यहाँ चढ़ पाएगी यार, चौथे गियर में चढ़ रही है, तो गाइज ये आ चुका है अब काला डुंगीर का रास्ता, ये अब जा रहा है सीधे नैनीताल की तरफ, तो उम्मीद करते हैं कि हम अगले कुछ मिनटों में पहुंच जाएंगे, तो गलत होगा कहना वर्ड, अगले 1-1.5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए हमको नैनीताल, तो लेट्स सी
क्या होता है? तो गाइस हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं, सिर्फ अराउंड 6 से 5 किलोमीटर रह रहा है नैनीताल का डिस्टेंस, और हमारी फ़ोन की बैटरीज और कैमरे की बैटरीज भी ख़त्म होने वाली है। तो ये तो था सफ़र, कैसा रहा हमारा नैनीताल पहुंच के? आपको आगे की सारी वहां के व्यूज़, क्या क्या चीज़ें हैं वहां, कहाँ कहाँ घूमे, कौन से होटल में। कल का व्लॉग जरूर देखना, बहुत स्पेशल व्लॉग है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो हम इसी व्लॉग के लिए ही आए हैं। बहुत स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा था कि एक चमत्कारी और बहुत ही अच्छी जगह हम जा रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।